बगर गुरु के किसी का उद्धार कल्याण महाराज संभव नहीं हुआ। जय भगवान ब्रह्मा और शंकर के समान का ना हो। गुरु भवन दिता नहीं ना कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। इसलिए बेटा तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, तुमने कोई गुरु नहीं किए हैं, इसलिए गुरु करना परमावश्यक है। तो देवर्षि नारद जी बोले, बगर गुरु के तुम्हें भगवान की प्राप्ति भला कैसे हो? ध्रुव जी बोले, एक बात बताएं। बोले क्या? और बातें बातें करते करते ध्रुव जी शिष्टाचार में बहुत आगे थे, और ध्रुव जी देवर्षि नारद जी से बातें तो कर ही रहे थे। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और देवर्षि नारद जी के चरणों में परीक्षित जी ध्रुव जी साष्टांग लेट गए। नारद जी बोले क्या कर रहे क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं कर रहे, आप हमारे गुरु जी हम आपके चेला जी। क्या? बोले आप हमारे गुरु जी हम आपके शिष्य हैं। बोले ऐसे गुरु? बोले गुरु करने के लिए क्या मुहूर्त निकाला जाता है? ठीक है, चरणों में लेट गए। बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। तो देवर्षि नारद जी गुरु मंत्र दे रहे हैं। कैसा गुरु मंत्र दे रहे हैं? हमारे साथ सब लोग बोलो साहब, जिन्हें समझ में आए जरूर बोलो महाराज। वो गुरु मंत्र द्वादश अक्षरों वाला, बारह अक्षरों वाला, जिसे वासुदेव गायत्री बोलते हैं। और देवर्षि नारद जी ने महाराज दे दिया ध्रुव जी को, और बोल पड़े महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय 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 भगवते वासुदेवाये, ओम नमो भगवते वासुदेवाये, ओम नमो भगवते वासुदेवाये, ओम नमो भगवते वासुदेवाये, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र देवर्षि नारद जी ने आज ध्रुव जी को दे दिया। लाला इस मंत्र के द्वारा तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और वह मंत्र लेकर के चरणों में वंदन करने के बाद आगे आशीर्वाद लिया, चल दिए, चल दिए श्रीधाम वृंदावन में आनंद नाम के तट पे। महाराज यमुना मैया के किनारे पहले दिन की समाधि लाला ने लगाई है 3 दिन के अंतर से। कितने दिन के अंतर से? 3 दिन के अंतर से। पहले महीना की समाधि 3-3 दिन के अंतर से चली, और दूसरे महीना की समाधि 6-6 दिन के अंतर से चली, और तीसरे महीना की समाधि 9-9 दिन के अंतर से चली, और भैया चौथे महीना की समाधि 12 दिन के अंतर से चली। जैसे चौथा महीना आ गया तो 12वें दिन तक खड़े रहे भगवान की भक्ति में, फिर तपस्या भंग हुई है ना, मौन धारण अपना तोड़ा। और कभी तो महाराज उस वृक्ष के पत्ते सूखे लेते हैं, उसे मींजते हैं, और फंकी लगा करके महाराज यमुना का जल पान करके फिर खड़े हो जाते हैं। आज मेरे भागवत श्रोता बंधु ने छठ में महीना की समाधि में प्रवेश कर गए हैं। 6-6 दिन के, वो 18-18 दिन के अंतर से समाधि लग रही है। हवा का आहार करने लगे, बैठे थे खड़े हो गए,
फिर एक पैर पे खड़े हो गए, फिर एक पैर के पंजे पर खड़े हो गए, फिर पंजे के अंगूठे के बल पर ध्रुव जी आज खड़े हो गए। और ध्रुव जी ने जैसे ही सांस वायु को खींचा तो प्राणियों का दम घुटने लगा। त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम, मेरी रक्षा हो मेरी रक्षा हो मेरी रक्षा हो। देवर्षि नारद जी भागे वैकुंठनाथ के पास में पहुंचे। प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान कहने लगे चिंता मत करो, छोटी सी अवस्था वाला बालक मेरा भजन कर रहा है। हैं पुने अभी जैसे थे वैसे ही ज्यों के त्यों सही होंगे। आज भगवान चले हैं मेरे भागवत श्रोता बंधु जनों भक्त के दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं लिखा है कि भक्त को दर्शन देने के लिए गए हो, ऐसा लिखा है भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कैसे चले आए हैं सब लोग बोलो तो मेरे साथ साथ। अरे प्रभु चढ़े के गरुड़ पे और आए जी या पे धोरा बोता पे, प्रभु चढ़े के गरुड़ पे आए जी जहाँ पे धोरा बोता पे, प्रभु स्वागत के लिए भगवान क्या लेकर के आ रहे हैं? अरे एक कमल फूल कर लाए थी, लाए थी भैया धोरा पे है, प्रभु चढ़े के गरुड़ पे आए थी जहाँ पे धोरा पे है, प्रभु हाँ।
तो भगवान आए भक्त के स्वागत के काजे। आज वह करुणा निदान भगवान गरुड़ की सवारी करके आए हैं भगवान के भक्त के लिए स्वागत में। कमल का पुष्प पुष्प महाराज सुमन पुष्प लेकर के आए। अब जब पुष्प लेकर के आए हैं तो बेटा के पास में खड़े हो गए। लाला लाला आंखें खोलो। लेकिन बेटा की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं। जब व्यक्ति भगवान के चिंतन में गहराई में पहुंच जाता है परीक्षित यज्ञपति जी, तो इस शरीर का उसे भान नहीं रहता है, इस शरीर का ध्यान नहीं रहता है। तो वैसे ही गुरु जी के बताए हुए उस मंत्र के द्वारा भगवान का चिंतन कर रहे हैं और भगवान की प्रतिमा हृदय में बसाए हैं ध्रुव जी। सो भगवान ने आगे बढ़े और आगे बढ़े, सो पैर की ठोकर जैसे ही जमीन में दी और उधर योग माया से कहा, मेरी प्रतिमा मेरे भक्त के हृदय से खींचो। वह हृदय से प्रतिमा जैसे ही गायब हुई और हाय पिता कह करके ध्रुव जी जमीन पे गिरना चाहते हैं। ध्रुव जी जमीन पे गिरना चाहते हैं। मेरे करुणा निधान ने भगवान को भक्त को गोद में ले लिया। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की। अच्छा एक दूसरी बात, एक व्यक्ति खड़ा हो और सामने नगर के महाराज उल्टा गिरे पीछे को, और पीछे गिरे और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को गोद में ले ले तो उसकी नजर कहां होगी? उल्टे गिरने वाले की नजर कहां होगी? ऊपर होगी। ये बच्चे तब भी होशियार हैं। उल्टा जब गिरेगा तो नजर उसकी ऊपर होगी और ऊपर वाला नीचे वाले को देखे यूं करके तो उसकी नजर कहां होगी? नीचे। तो भक्त की नजर जब उल्टा गिरा तो हो गई ऊपर और भगवान ने देखा भक्त को तो नजर हो गई नीचे। भक्त की है नजर ऊपर, भगवान की है नीचे। तो परीक्षित यज्ञपति जी भक्त और भगवान की नजर से नजर भिड़ गई। और जब नजर से नजर मिलती है परीक्षित जी, तो वहां क्या होता है? जब एक दूसरे की नजर से नजर मिलती है तो मेरी बात को अन्यथा न ले साहब, तो वहां प्रेम जागृत हो जाता है। ये नजर से नजर मिलने के श्रीमद् भागवत की कथा में 21 कारण हैं। जब भगवान श्याम का अवतार होगा तब मैं कथा में बताऊं कि महाराज 21 कारण, तो वहां प्रेम जागृत हो जाता है। तो भगवान ने भक्त को देखा और भक्त को भगवान ने देखा। सुनो ना, तो जब भगवान ने भक्त को देखा तो एक बार तो भक्त ने जैसे ही भगवान को देखा तो भक्त हंस गया, और जब बेटा ध्रुव हंसे तो फिर भगवान भी हंस गए, और भगवान हंसे तो आकाश में जितने देवता खड़े हैं चंद्र जी और सूरज जी और इंद्र जी और सिगरे जी, जितने देवता खड़े हैं सब हंस गए। और जब देवता हंसे तो श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे परीक्षित जी को महाराज, तो सुखदेव जी भी हंस गए, और सुखदेव जी हंसे तो परीक्षित जी कथाओं का पान करा रहे हैं। तो परीक्षित जी ने देखा गुरु जी हंस रहे हैं तो हम काहे को छोड़ दें, तो महाराज वो भी हंस गए। और परीक्षित जी जब हंसे तो जितने भी उस प्रांगण में भक्त लोग बैठे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा लोग, प्यारे भाई बहनों, खिल 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 सब हंस गए। बोले क्या भाव है? एक बार सुखदेव जी बोल रहे परीक्षित जी से, लाला जरा नेत्र बंद करके देखो तो वो झांकी कितनी सुंदर है। सब हंस रहे। अरे थोड़ी देर के बाद में भक्त रोने लगा, और जब बेटा रोया तो भगवान भी रोने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप कहोगे महाराज भगवान काहे को रोए, वो तो परमात्मा थे। भगवान इसलिए रोए और भक्त इसलिए रोए। आप कहोगे दोनों इसीलिए रोए। हाँ भक्त तो इसलिए रो रहा है, हे भगवान तुम जब तक भक्त की कुगति नहीं करा लेते हो और तब तक सहजताई से अपन को दर्शन नहीं देते हो, और भगवान इसलिए रोए इस मनुष्य के पुतला को देखो ये कितना बेगाना हो गया। जिस समय माँ के उदर में होता है तो कहता है भगवान मुझे एक बार इस जगह से निकाल दे, मैं तेरे अलावा काऊ ना जाने को। और जैसे ही ये बाहर निकल जाता है उस जगह से तो सबसे पहले इसका काम होता है मुझे भूल जाना। शास्त्र कहता है गर्भमासम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो बच्चे को पीड़ा गर्भ में होती है माँ के उदर में, इतना कष्ट फिर उस जीव को कहीं नहीं होता है।
जिस समय सातवें महीना में ये जीव प्रवेश करता है तो मेरे प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनों, इस जीव को जन्म जन्मांतर के कार्य याद आ जाते हैं। हमने ये किया है, इस जन्म में मुझे ये भुगतना पड़ा, फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। तब ये छटपटाता है, भगवान केवल मुझे एक बार मौका मिल जाए। अच्छा, किसी ने कभी दो बार कोई चीज मांगी? केवल एक बार, एक बार। और वो एक बार करते करते महाराज अब तक अनेक बार हो गया, लेकिन वो एक बार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ। बोली गोविंद भगवान की। तो हमारा जीव कहता है, तू एक बार मुझे निकाल के तो देख यहां से, मैं तेरे अलावा ना खाऊ जाने को। एक कवि लिख रहा है, दिल की अनुपम छटान सा काली है, और सृष्टि रचैया तेरी जो सृष्टि निराली है। दिल की अनुपम छटान सा काली है, छटान सा खाली है, सृष्टि रचैया तेरी जो सृष्टि निराली है। सृष्टि रचैया तेरी जो सृष्टि निराली है। दिल की अनुपम छटान सा खाली है, सृष्टि रचैया तेरी जो सृष्टि निराली है। पर्वत कहीं खाई तेरी लीला समझने आई, घने भरे वन बाग बगीचे कैसे रहे ले राई, जगह सब खाली है और सृष्टि रचैया तेरी जो सृष्टि निराली है। ये कैसी विचित्र साफ सृष्टि उस रचने वाले ने रची मेरे भाई बहनों।
कितना अच्छी सृष्टि रची। आप कहोगे महाराज कितनी सुंदर परिचय जी सृष्टि रची, आपने 5 बीघा खेत को लिया और एक खेत में महाराज गन्ना गाड़ दिया, एक खेत में करेला गाड़ दिया, एक खेत में मिर्ची गाड़ दी, एक खेत में और भी कुछ गाड़ दिया, और जब वो फसल उगने के लिए आई एक को हमने तोड़ लिया उसे खाया तो वो महाराज मीठा था उसे गन्ना था, और आपने एक फल को लिया तोड़ करके खाया तो वो महाराज चरपरा था करेला था, और एक वृक्ष पे से हमने तोड़ के खाया और महाराज उसे चखा तो वो थोड़ी कड़वी थी वो मिर्ची थी। अरे महाराज लेकिन पानी हमने बराबर दिया, ऐसा तो नहीं है गन्ना के खेत में महाराज हमने चीनी घोर के डाल दी, ऐसा तो नहीं था। ये स्वाद देने वाला तो वही करुणा निधान भगवान है साहब, कि कैसी विचित्र सृष्टि का सृजन मेरे सृजनहार ने किया है, कैसी विचित्र सृष्टि है, ये उस कृपा सिंधु की तो कृपा है साहब, उस भगवान की तो कृपा है। तो आज उस बेटा ने कहा प्रभु तुम जब तक भक्त की कुगती नहीं करा लेते हो हमको दर्शन नहीं देने आते हो। तो भगवान कहते हैं किसी ने आकर के इतने गए हमारे यहां से किसी ने आकर के मेरे दरवाजे की कुंडी को तो खटखटाया है। सो भगवान भी बहुत रोए महाराज, बहुत बहुत उसके बाद में भैया वहां के बाद में हुआ ये। आज जब भगवान रोए तो बेटा भी रोने लगा, और जब बेटा रोए तो भगवान भी रोने लगे। प्यारे भाई बहनों भगवान भी रोने लगे। सुनिए अब हुआ ये, इधर हुआ ये के भगवान कहते लाला ते लाला तू मुझसे वरदान मांग ले। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते नहीं नहीं एक मर्यादा है, तुम जो चाहो वो हमसे मांग लो, नहीं चाहिए। ओ आज का अगर स्वार्थी व्यक्ति जीव होता तो क्या नहीं मांगता भगवान से, बहुत कुछ मांग लेता साहब। लेकिन शास्त्र ये कहता परीक्षित जी भगवान से तो कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए। आप कहोगे साहब भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए तो ये मांगना शब्द काहे को बना? नहीं साहब मांगना शब्द बना है मांगने के लिए, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। आप कहोगे भगवान से कितना मांगोगे? आपने जब भगवान से मांगने की इच्छा जाहिर करी तो वो उतना देगा जितना आपने मांगा है, और जब आप उससे कुछ मांगोगे नहीं तो जो अपने स्तर से जब वो देगा तो इतना देगा शायद आपने भविष्य में कभी इस बात का अंकन नहीं किया था, किया होगा कि इतना भगवान मुझे देगा। मांगना नहीं चाहिए, अगर इच्छा भगवान से जाहिर होती है मांगने की तो संसार की दौलत मत मांगो मेरे प्यारे, भगवान को मांग लीजिए तो जिंदगी ही आनंद बढ़ जाएगी। कहे प्यार से जय श्री भगवान को मांग लीजिए फायदा हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की ध्यान रखेंगे। अब भगवान कहते हैं वा लाला ते लाला तू मोते वरदान मांग ले, नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने अपनी इच्छा से वरदान दिया, जाओ 36,000 वर्ष तक तुम अवध का राज्य करोगे, उसके बाद में ध्रुव लोक के लिए प्रयाण कर जाओगे। ठीक है, चरणों का वंदन किया ध्रुव जी ने। भगवान ने इंद्र के ऐरावत हाथी पर बिठाल करके ध्रुव जी को अवध के लिए महाराज विदा किया है, विदा किया है। ध्रुव जी जा रहे हैं अवध में, जैसे ही प्रस्थान प्रवेश करने वाले थे तेही उस गज को रोक लिया, रुक जा भैया अब तू वापस चलो जाओ तो जाते पैदल जाऊंगो। और सबसे पहले ध्रुव जी कहां पहुंचे हैं साहब परीक्षित जी? अपनी मैया के जोरे नाए पहुंचे हैं, अपनी मौसी जी के जोरे पहुंचे, और मौसी जी ने लज्जा से दरवाजा बंद कर लिया। तो ध्रुव जी खड़े हैं और ध्रुव जी का कह रहे पतो है सुनो, खड़ो सो पेलो लाल
महारा दरवाजे पे खड़े हैं सुरुचि के पे, मैया मुझसे भूल हो गई क्या, मैं जब तक तेरे दर्शन नहीं पाऊंगा तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। अंत में मैया ने दरवाजा खोल दिया, चरणों का वंदन किया, मां अगर तू मेरे वो तबाचे नहीं मारती तो मेरी मैया मुझे सदमार्ग ना बताती और मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। प्यारे भैया, और आज का कोई व्यक्ति होता तो, आज का कोई स्वार्थी व्यक्ति होता, पहले गरीब रहो होए और दो चार दिन बाद ज्यादा धनवान होए जाए, सबसे पहले देखो तो पहले जाई देख ले, जाई से भाई पटरी ना खाती। आज का तो स्वार्थी जीव है, लेकिन भैया शास्त्र ये कहता है जो तो को कांटे वह तू बाको वह फूल, तो को फूल के फूल है और बाको है त्रिशु। तो ध्यान रखेंगे प्यारे भाई बहनों, आज उधर ध्रुव जी महाराज अपनी मैया सुनीति के जोड़े गए हैं और सुनीति ने बेटा को अंक में भर लिया। लाला ए मैया बोल तेने भगवान को प्राप्त किया। बोले मैया मैंने तेरे सौगंध खा करके कहा कह के गया था तो इसलिए मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, क्या मुझे दर्शन नहीं कराएगा, क्यों नहीं कराऊंगा। भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। सुनीति मैया ने भगवान के दर्शन किए हैं। अब ध्यान देंगे माताओं, इसी बात को लेकर के गुरु नानक देव जी ने कहा है, जननी जने तो पुत्र जन के दाता के सूर, जननी जने तो पुत्र जन के दाता के सूर, और नहीं तो रह जाए बांजनी मती गमावे। फिर बाबा गोस्वामी जी ने और कुछ लिख दिया है, क्या लिखा है, बे माँ बाप पुत्रपति कहने की अधिकारी ये माँ कब होती है, पिता कहने का अधिकार कब होता है। तो आइए इन पंक्तियों से सुनिए, पुत्रपति युवती जग सोही, पुत्रपति युवती जग सोही, पुत्रपति युवती जग सोही, रघुपति भगत का सो सुख होई। नानक देव जी कहते माताओं, पोत्रवती युवती, युवती माने नारी, पोत्रवती युवती जग सोही, और रघुपति भक्त जासु सुत होई। एक बार एक हमारे जैसे भैया कथा कह रहे थे, कथा वाचक, तो एक बूढ़ी मैया को बेटा परीक्षित जी यो करके मैया को हाथ पकड़ के लाया करे और यो करके आगे आके बैठ जावे करे, बैठ जावे करे, और वो बालक जो था मैया तो सो जावे करे, लाला तो बता प्रेम पूर्वक सुनवे करे। तई एक बार
उस बूढ़ी मैया ने कहा पंडित जी जी, बोले मोए एक बात को बड़ो भय है। बोले कहे बात को? बोले मेरे जे लाला है ना। बोले हाँ तो है। तो बोले जब जे घर जावत है तो आप दिन में जितनी भी कथा कहते हो ये मुझे शाम को जाकर के पूरी कथा सुनाता है, तो मुझे इस बात का डर है। पंडित जी बोले मैया कहे बात को डरो है? बोले जा बात को डरो है, मेरो बेटा कहीं संत महात्मा न हो जाए, मेरा बेटा कहीं महात्मा न हो जाए। तो पंडित जी बोले मैया तुझे शर्म नहीं आई ये शब्द कहने में? तेने संत समझना क्या मजाक समझ रखा है? तेने महात्मा बनना क्या खेल समझ रखा है? तुझे तो ये कहना चाहिए था मेरा बेटा कहीं जुआरी न हो जाए, मेरा बेटा कहीं शराबी न हो जाए, मेरा बेटा कहीं लुटेरा न हो जाए। तू ये कह रही है तेरा बेटा संत न हो जाए? संत संत होता है। आग लगी आकाश में गिरत बने अंगार, और साधन होते जगत में तो जरिवर तो संसार। कहे प्यार से जय श्री। हमारे इस राष्ट्र भारत को पवित्र बनाने में दो व्यक्तियों का बड़ा योगदान रहा है, और वो दो मूर्ति इस कथा पंडाल में महाराज उपस्थित हैं। चाहो तो दिखा दें या दिखा दें, दोनों ही काम कर ले, देख ले हो। बताए तो हम रहे ही हैं, या पवित्र भूमि भारत भूमि को पवित्र बनाने में दो व्यक्तियों का बड़ा योगदान है परीक्षित महाराज जी। दो व्यक्तियों में दो व्यक्तियों का नाम अंकन कर रहा हूं। एक तो हमारी इन माताओं बहनों का योगदान, और दूसरे हमारे संत भगवानों का महाराज योगदान। इनकी तपस्या से, इनकी भक्ति से हम अपना अपने प्रेम आनंद के साथ महाराज जिंदगी को जी रहे हैं। जब ये हमारा राष्ट्र भारत मुल्क परितंत्र था, विदेशियों ने आकर के हुकूमत को जमाया, तो इन माताओं ने 9 मास अपने बच्चों को कुच्छे में रखने के बाद जन्म देने के लिए छोड़ दिया। जाओ हमारी भारत भूमि को पवित्र बनाओ। भाला की नोक पर अपने बच्चे को तुलवा दिया, लेकिन अपन धर्म पे आंच नहीं आने दी। मैं चाहूंगा इन माताओं के लिए एक बार मीठी मीठी ताली से मेरी स्वागत होना चाहिए। कह प्यार से जय श्री। जय जय। और दूसरा प्रश्न, हमारे ये संत भगवान जिन्होंने महाराज अपने सूखे वृक्षों के पत्ते खा खा करके, पंखियां लगा लगा करके, तन को महाराज सुखा सुखा करके, ये धर्म ये ग्रंथ ये शास्त्र हमारे पवित्रता से भर दिए हैं, तो ये संत भी महाराज संत हैं। संत संत। आग लगी आकाश में गिरत बने अंगार, और साधन होते जगत में तो जरे वरतो संसार। मैं चाहूंगा इन संत भगवानों के लिए भी प्लीज एक बार मीठी मीठी ताली से स्वागत होना चाहिए। प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनो, तो कभी लिख रहा है जननी जने तो पुत्र जन के दाता के सूर, और नहीं तो रह जाए बांझनी मति गमावे नूर। माताओं अपनी भारत भूमि को पवित्र बनाया, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। पिता अपने बच्चे अपने संतान को पिता इतना ख्याल नहीं रख सकता जितना ख्याल माँ रख सकती है। अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो पिता का दोष नहीं है, इसका दोषी तो इसकी माँ है। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, हैं अच्छे शिष्टाचार दीजिए, फायदा हो जाएगा। एक बेटा होता है, एक लड़का होता है, एक पुत्र होता है। बेटा उसे कहते हैं परीक्षित जी जिसे संतुष्टि से बट में जो मिल जाए, संतोष संपरम सुखम। पिता ने अपना दो भाग हुए तो पिता ने जो भी बट में दे दिया उसी में अपना गुजारा करे, ये तो हो गया बेटा। और एक हो गया लड़का, सारी जिंदगी उसे तुम कितना ही दो वो लड़ने से बाज नहीं आएगा, वो तो लड़ता ही लड़ता रहेगा महाराज। और एक होता है पुत्र, ये पुत्र जिसे रतन प्राप्त हो जाता है उसकी तो बिगड़ी हुई जिंदगी उन्हें बन जाती है। भागवत श्रोता बंधु जनो, शास्त्र में कहते के लिखा है पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती हम होना चाहिए महाराज। आइए, तो लाला ने 36,000 वर्ष तक अवध का राज्य किया, और उसके बाद मेरे भागवत श्रोता बंधु जनो महाराज उत्तानपाद के दूसरी रानी से जो पुत्र पैदा हुए हैं उत्तम, यक्षों के बगीचा को उन्होंने जाकर के उजाड़ दिया, तो यक्षों ने उन्हें घेर करके मार दिया। पहला जी ने वो ध्रुव जी ने ब्रह्मास्त्र ले लिया, तो पहला जी वो ध्रुव जी जो हैं प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनों उनके बाबा आ गए मनु महाराज जी। बेटा ये वैष्णवों का मार्ग नहीं है,
और तुम ये ब्रह्मास्त्र जरा सी बात के पीछे ले खड़े हुए हो। तो ध्रुव जी कहते हैं बाबा क्या सच में बोलो और क्या ये वैष्णवों का मार्ग नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा तुम करने के लिए उद्यत हो। तो अपने बाबा के कहने के मुताबिक ध्रुव जी महाराज जी ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया। अब तो महाराज उत्तानपाद और दोनों भार्याओं को लेकर के वन के लिए प्रस्थान करके बोलिए गोविंद भगवान की। और सुनिए महाराज 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद ध्रुव जी महाराज के लिए स्वर्ग से विमान आया और विमान पर बैठ करके ध्रुव जी चलने लगे महाराज। तो रास्ता में ध्रुव जी को थोड़ा रास आ गया, नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी माँ कहाँ है। तो भगवान के पार्षद कहने लगे जो तुम्हारे विमान के आगे जो विमान जा रहा है इस विमान पर तुम्हारी माँ जा रही है, ठीक है। अब रास्ता में परीक्षित जी एक बूढ़ी मैया आ गई, बिल्कुल कपिल मैया, शरीर से जर्जर है। भगवान के पार्षदों ने वो विमान रोक दिया और बूढ़ी मैया कहने लगी लाला जो यहाँ से जाता है वो हमको प्राप्त करके जाता है और तुम ऐसे ही जा रहे हो। ये बूढ़ी मैया कौन है? ये बूढ़ी मैया है मृत्यु देवी। जिस लोक में ब्रह्मा जी रहते उसे कहते ब्रह्म लोक, जिस लोक में विष्णु जी रहते उसे कहते विष्णु लोक, और जिस लोक में हम और आप लोग रहते हैं इस लोक को कहते हैं मृत्यु लोक। इसकी अधिष्ठा जो देवी है वो है मृत्यु देवी। तो भैया मृत्यु को तो प्राप्त होना, अगर सत्य है कोई चीज दुनिया में तो वो है मृत्यु मोक्ष। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित है, आएगी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन हमारी एक बहन जी का जन्म हुआ था। दो चार कंगे महाराज गलत काय को कह रहे हो, मुझे तो भगवान ने बहन दी नहीं है। ये दुनिया वाली बहन भगवान ने कौ दी हो या न दी हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो बहन तो भगवान ने सबको दी है। और जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उसी दिन मेरी बहन का जन्म हुआ है और वो बहन जी है मृत्यु देवी। इस दुनिया में आती है और चार दिन के बाद घुमा करके फिरा करके महाराज जब जाती है तो कहती भैया चल, 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 चल। अब बहन जी को इतनी दया ना आवती है, बोले दो घंटा रुक जा। बहन कितना प्रेम करती है परीक्षित जी, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, चाय का प्याला हाथ में है दो घूंट अंदर चले गए हैं, एक घूंट पीने की सामर्थ्य नहीं है, मई लुढ़क गए चल भैया। तो ये है मृत्यु देवी का लोक। तो ध्रुव जी के सामने वो मृत्यु खड़ी है। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों से कहा ये क्या है? बोले हे भैया इनको तो प्राप्त करना ही होगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो ध्रुव जी महाराज कोई खेल नहीं है। ध्रुव जी बोले मैया एक काम कर, हो तो ठहरो जरा बालक और तू है बड़ी बूढ़ी, जरा अपने जा सिर को नीचे करिए, जा अपने सिर को नीचे कर। और ध्रुव जी ने कहा तो मृत्यु देवी ने जैसे ही अपना सिर नीचे किया और ध्रुव जी ने अपना पैर रखा सिर पे और पुनः जाकर के विमान पे बैठ गए। अब मैया मैं जाऊं आगे, अब हो जाऊं, अब तो तेने प्राप्त कर लेना, अब हो जाऊं। तो ध्रुव जी लोग, ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोग के लिए प्रयाण करके बोली आनंद कंद भगवान की। एक सुंदर सा भजन है।